हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बुंदेलखंड वाईफाई स्टडी में। जैसे हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो नंबर सिस्टम में आज हम सातवां पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें से आज हमारा टॉपिक रहेगा मतलब किसी भी मतलब फैक्टोरियल में अभाज्य संख्या की अधिकतम घात को ज्ञात करना। मतलब हमारा टॉपिक क्या है आज, हाउ टू फाइंड मैक्सिमम पावर ऑफ ए प्राइम नंबर पी इन एन फैक्टोरियल। मतलब क्या है, किसी एन फैक्टोरियल में अभाज्य संख्या पी की अधिकतम घात ज्ञात करना। एन फैक्टोरियल में अभाज्य संख्या पी की अधिकतम घात ज्ञात करना। इस टॉपिक से एक सवाल जरूर पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। इसी टॉपिक से हम अभी पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ जीरो कैसे, मतलब जीरो की संख्या कैसे निकालते हैं किसी भी फैक्टोरियल में, या तो किसी भी अभाज्य संख्या को हम कैसे निकालते हैं, और सम संख्या भी होगी तो उसे हम कैसे निकालेंगे। मतलब सारे तरीके इसमें पढ़ेंगे, लेकिन हमारा मेन टॉपिक क्या है कि अभाज्य संख्या की अधिकतम घात ज्ञात करना किसी भी फैक्टोरियल में, यदि हमें ज्ञात करना है तो। अब जैसे मान लो मैं बात करता हूँ फैक्टोरियल की, जैसे लिखा एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल। इसको लिखने का तरीका हमारा एक और होता है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक इस तरीके से लिखा जाता है। तो इसका हिंदी में अर्थ क्या है, मैं अभी एक बार पिछली वीडियो में बता भी चुका हूँ आप लोगों को कि फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित, मतलब क्रम से गुणा करना। मान लो जैसे मैं कोई भी फैक्टोरियल ले लू, मान लो पांच फैक्टोरियल ले लेता हूँ, पांच फैक्टोरियल। तो पांच फैक्टोरियल में क्या होगा, एक गुणे दो गुणे तीन गुणे चार गुणे पांच, मतलब उसका क्रम से गुणा करना, ये होता है फैक्टोरियल का मतलब। अब मान लो जैसे मैं इसमें से जो मेरा टॉपिक है कि एन फैक्टोरियल में अभाज्य संख्या की अधिकतम घात ज्ञात करना, तो मान लो मैं इसे यदि अगर अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ दूं, जैसे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि दो की पावर तीन गुणे तीन की पावर एक गुणे पांच की पावर एक, मतलब चार में से दो दो निकालेंगे तो दो तीन हो जाएंगे, और तीन हमारा एक हो जाएगा, पांच हमारा एक हो जाएगा। मतलब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। अब मान लो पांच फैक्टोरियल में ये बात आ जाए कि दो की अधिकतम घात ज्ञात करो, तो दो की अधिकतम घात क्या होगी, तीन। यदि ये पूछ लेता है पांच फैक्टोरियल में कि तीन की अधिकतम घात क्या होगी, तो तीन की अधिकतम घात कितनी होगी, एक। यदि यार पांच की पूछता है तो पांच की कितनी होगी, एक। अब मान लीजिए ये तो मैंने पता कर लिया, गुणा करके देख लिया, ये तो छोटा सा पांच फैक्टोरियल। अब यदि अगर और बड़ा हमें किसी फैक्टोरियल के अभाज्य संख्या की यदि अगर हमें घात ज्ञात करना हो, तब हम क्या करेंगे। मान लो पांच फैक्टोरियल था तो हमने क्रम से गुणा करके रख के निकाल के देख लिया। अब जैसे मुझे और भी ज्यादा बड़ी घात ज्ञात करना है, तब क्या करेंगे। अब सबसे पहली बात हमें यह सोचना पड़ेगा कि जैसे हमें दो निकालना है, मान लो जैसे मुझे पांच फैक्टोरियल में दो निकालना है, तो मैंने अभी क्या निकाले कि तीन दो होंगे, मतलब दो की अधिकतम घात क्या होगी, तीन होगी, है। तो अब ये बताओ कि दो आ कहां सकता है। सबसे पहली बात, यदि अगर हमें संख्या निकालनी है तो हम क्या सोचेंगे कि वो आ कहां सकता है। जैसे पांच फैक्टोरियल में दो की घात हमें निकालना है, तो दो आ कहां सकता है, तो दो कहां आएगा, दो दो के मल्टीपल में आएगा। तो यदि अगर हम ये निकाल लें कि दो के इसमें कितने मल्टीपल है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि दो कितने। तो मान लो जैसे पांच फैक्टोरियल में मुझे दो निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके मल्टीपल निकालूंगा। तो मैंने निकाला तो कितना हुआ, दो दूना चार, यानी कि कितना निकला, मतलब जैसे मैंने दो का भाग दिया तो कितना निकलेगा, दो बार। तो क्या इसमें सब दो आ गए, क्या पांच फैक्टोरियल में जितने भी दो होंगे तो क्या सभी दो आ गए, नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि पांच फैक्टोरियल में जो हमारा चार होता है, मान लो जैसे मैं पांच फैक्टोरियल को लिखता कैसे, पांच फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिखता हूँ, एक गुणे दो गुणे तीन गुणे चार गुणे पांच।
अब मान लो ये दो आ गया, ये जो दो आया कितना आएगा, दो और चार, दो और चार का एक मल्टीपल आएगा, ये दो आ गए, पर लेकिन चार में दो दो है तो यहाँ पे तो एक दो आ गए, यहाँ पे एक तो, अब किसी किसी को ये कंफ्यूजन हो रहा होगा जब मैं इसका भाग दूंगा तो 2.5 आएगा, तो 2.5 हमें केवल और केवल क्या लेना है, कंप्लीट मल्टीपल लेना, 2.5 इसमें आ रहा है तो हम केवल दो लेना, मतलब जो 2.5 है तो मल्टीपल कंप्लीट मल्टीपल नहीं है, तो मुझे क्या लेना, सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट मल्टीपल लेना, इसलिए मैंने यहाँ पे दो ले लिया। ठीक, तो सारे दो तो आए नहीं, तो एक दो मेरा किसमें, चार में, तो मुझे क्या देखना पड़ेगा कि इसमें चार कितने हैं, तो चार कितने हैं, तो चार एक है, तो टोटल दो कितने हो जाएंगे मेरे, टोटल दो आ जाएंगे मेरे तीन। और इस तरीके से मैंने निकाला था तो ये भी ऐसे ही तीन था, 2^3 × 3 × 1 × 5 × 1। तो मतलब यदि यार मुझे दो निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, उनके मल्टीपल निकाल लेता हूँ, तो मुझे पता चल जाता है क्यों कितने दो है। अब मान लो जैसे 10 फैक्टोरियल में मुझे निकालना है, इसे मैं बैठा के देखना, 10 फैक्टोरियल में जैसे मुझे मान लो मुझे 10 फैक्टोरियल में निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 10 फैक्टोरियल में दो निकालूंगा तो कितने आएंगे, 5 आएंगे। और ये आप भी जानते हैं कि कौन कौन से मल्टीपल होंगे, 2, 4, 6, 8 और 10 ये आ जाएंगे। अब मैं ये देखूंगा कि 4 के कितने मल्टीपल है, तो मैंने 4 का भाग दे दिया था 2, तो ये कितने आए, 2 आए, कौन कौन से, 4 और 8, तो क्या सभी 2 आ गए, अभी भी सभी 2 नहीं आए, क्यों, क्योंकि जो मेरा 8 है, जो मेरा 8 है तो 8 में क्या है मेरा, 3 2 है, 2 × 2 × 2 से मिलके 8 बनता है, तो 1 2 तो मेरा यहाँ पे आ गया जब मैंने 2 का 2 लिया, 1 2 यहाँ पे आ गया जब मैंने 4 लिया, लेकिन अभी भी 1 2 बाकी है, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, 8 के भी मल्टीपल देखने पड़ेंगे इसमें, तो मैं 8 से भाग दे दूंगा तो मेरा कितना आएगा, 1, तो टोटल 2 कितने हो गए मेरे, 5, 3, 8। यदि यार मुझसे यह पूछता है कि 10 फैक्टोरियल में 2 की अधिकतम घात कितनी होगी, तो कितनी होगी, 8 होगी, तब देखना इस चीज से मैं इसका सूत्र निकाल के दिखाता हूँ कि सूत्र कैसे आएगा इसका। देखना जैसे मुझे 2 की घात निकालनी थी तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 2^1 का भाग दे दिया, फिर किया मैंने 2^2 का भाग दिया, फिर मैंने क्या किया, 2^3 का भाग दिया, और ये भाग हमें तब तक देता रहना है जब तक की संख्या 1 से छोटी ना आ जाए, जब तक 1 से छोटी नहीं आएगी तब तक हम ऐसे भाग देते रहेंगे, और जब भी 1 से छोटी आ जाएगी हम भाग देना बंद कर देंगे। तो इससे मैं सूत्र क्या बना सकता हूँ, देखना ऐसे सूत्र क्या बन सकता है, मान लो जैसे ये दिए है कि आयन फैक्टोरियल में अभाज्य संख्या पी की अधिकतम घात मुझे निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, पहले सबसे पहली बात मुझे क्या करना है, आयन में मैं क्या करूंगा, पी का भाग दूंगा, ठीक, फिर क्या करूंगा, आयन में मैं पी स्क्वायर का भाग करूंगा जैसे मैंने यहां पे किया, फिर क्या करूंगा मैं, आयन में पी क्यूब का भाग करूंगा, और ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि संख्या 1 या 1 से छोटी ना आ जाए, तो ये ऐसे ही आगे चलता रहेगा, यही तो सूत्र होता है। यदि अगर आयन फैक्टोरियल में अभाज्य संख्या p की अधिकतम घात निकालनी है तो यही तो सूत्र होता है, इसी यह सूत्र जो बनता है तो इसी वजह से, इसी से बनता है कि हम पहले क्या करते हैं, उसके मल्टीपल निकालते हैं, और मल्टीपल कैसे निकालते हैं मैंने बताया, जैसे 2 के मल्टीपल निकालना है तो पहले तो मैं 2 देखूंगा, फिर उसमें 4 देखूंगा, फिर उसके में 8 देखूंगा, और आगे यदि यार 1 नहीं आता है तो मुझे और आगे तक ऐसे ही देखते चले जाएंगे। अब मान लीजिए जैसे इसमें से मान लो कोई सवाल ये आ जाता है, मान लो जैसे ये आ जाए कि 60 फैक्टोरियल में 2 ज्ञात करना है मुझे कि 2 की अधिकतम घात कितनी होगी, तो मैं क्या करूंगा, रखूंगा यहाँ पे 60/2 करूंगा प्लस 60/2 से भाग दूंगा यानी 4 करूंगा प्लस 60/ मैं क्या करूंगा 2^3 से भाग दे दूंगा, इसी तरीके से प्लस 60/ क्या करूंगा मैं भाग दे दूंगा 16 से, फिर क्या करूंगा 60 में यदि अगर मैं आगे भाग देता हूं मान लो किससे 32 से फिर प्लस, और आगे यदि मैं करता हूं तो 64 हो जाएगा, वो 60 से ज्यादा हो जाएगा, तो आगे मुझे नहीं करना, तो मैं इतना करूंगा, तो करने के बाद में क्या आएगा, 2 का भाग दिया 20 × 7 = 15 × 7, फिर 8 का भाग दिया 8 × 7 = 56,
फिर 16 का भाग दिया, 16 दुनी 32, 16 थी 48, फिर इसके बाद 32 दुना 64 हो जाता है, तो एक बार ही जाएगा, तो टोटल दो कितने हो गए मेरे, 45, 7, 52, 52 और 4, 56, यानी कि इस 60 फैक्टोरियल में यदि दो की अधिकतम घात पूछी जाएगी कितनी होगी, 56 होगी। इस तरीके से निकालते हैं। अब यदि एक बात और ध्यान रखना, ये जो मैंने लिखा है, यदि आप ये सोचो कि मैंने ये ब्रैकेट क्यों लगाया, तो इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब महत्तम पूर्णांक फलन, मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, महत्तम पूर्णांक फलन लेना है और कुछ नहीं, इसीलिए मैंने ये ब्रैकेट लगाया। यदि हम पी का भाग देते हैं कुछ भी आता है, तो उसमें मुझे और मुझे सिर्फ क्या लेना है, केवल और केवल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना, इसीलिए मैंने उसको चिन्ह लगाया है सूत्र में। जैसे मान लो अभी मैंने मान लो भाग देना मैं शुरू करता हूँ इस तरीके से कि मान लो 20 में मुझे 3 का भाग देना, तो मेरा कितना आएगा, 3×18.6 ये आएगा। पर लेकिन मुझे क्या करना है, यदि अगर इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका मतलब मुझे क्या लेना, सिर्फ और सिर्फ 6 लेना, मतलब मुझे और केवल के सिर्फ क्या लेना है, महत्तम पूर्णांक फलन लेना, केवल पूर्णांक लेना है मुझे। यदि यार मुझे ये 2.9 भी आ जाता है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 लेना, क्योंकि कोई मतलब नहीं, मतलब मुझे केवल केवल पूर्णांक फलन लेना, इसीलिए मैंने ये लगाया है। ठीक, ये चिन्ह का मतलब यही है। अब आगे देखते हैं, जैसे किसी की भी निकाल लो। अब ये देखना, जैसे मैंने इसमें क्या निकाला, 60 फैक्टोरियल में मैंने 2 निकाले कि 2 की अधिकतम घात क्या होगी, तो ये तो मैंने सूत्र बताया, सूत्र से रख के निकाल लिया, पर लेकिन उससे भी सिंपल तरीका क्या है, यदि हमें निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 60 में 2 का भाग दे दूंगा तो 30 आएगा, फिर इस 30 में 2 का भाग दे दूंगा 15 आएगा, फिर इसमें 2 का भाग दे दूंगा 7 आएगा, फिर इसमें 2 का भाग दे दूंगा मेरा कितना आएगा, 3 आएगा, फिर 2 का भाग दे दूंगा 1, और इन सभी को क्या करूंगा मैं जोड़ दूंगा, तो जोड़ने के बाद में कितना आएगा, 45, 52 और 56। इस तरीके से निकालते हैं, मतलब बिल्कुल सिंपल सही। वो सूत्र इसलिए मैंने बताया क्योंकि कभी कभी पेपर में डायरेक्ट सीधे सूत्र आ जाता है, यही चीज लिख के बिल्कुल सेम कि आए फैक्टोरियल में अभाज्य संख्या पी की अधिकतम घात कितनी होगी, तो उसके लिए मुझे क्या पाठ करना पड़ेगा, सीधे सीधे विकल्प में सूत्र दिए होगा, इसीलिए मैंने वो सूत्र बताया, पर लेकिन उस सूत्र से आपको सवाल नहीं हल करने, आपको सवाल हल करने के लिए ये तरीका अपनाना, सीधे सीधे जैसे मान लो कुछ भी मान लो ये दिए कि 123 फैक्टोरियल में 3 ज्ञात करना, 3 की अधिकतम घात कितनी होगी, तो क्या करूंगा मैं सीधे सीधे 123 में 3 का भाग दे दूंगा, कितने जा 3×12 3×3 से काट दिया 3×3 और बचा कर 3×9 फिर 3 से काट दिया 3×12 फिर 3 से काट दिया 1 आ, और इन सभी को जोड़ देना, ठीक कितना हो गया, 41, 13, 54 और 5 59। इस तरीके से निकालना, मतलब 123 फैक्टोरियल में 3 की अधिकतम घात कितनी होगी, 59 होगी, इसी तरीके से निकालना। अब मैंने क्या बताया, ये चीज जो मैंने बता दी आपको, तो इससे क्या आप निकाल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप निकाल सकते हैं केवल और केवल आवाज, मतलब प्राइम नंबर की अधिकतम घात। अब यदि प्राइम नंबर के अलावा आपके पास ये आ जाती है कि जैसे मान लो 6 है, 6 एक प्राइम नंबर नहीं, अब ये पूछ ले 6 की अधिकतम घात किसी में, तो आप 6 कैसे निकालेंगे, अब 6 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए जैसे मैं आपसे ये कहूं, मान लो जैसे ये लिखा 5 फैक्टोरियल, तो ये कितना होगा, 5×4×3×2×1 ये चीज होगी। अब यदि अगर मैं ये कह दूं कि 5 फैक्टोरियल में कितने 6 होंगे, और आप इस तरीके से निकालें, आप 6 का भाग देंगे 0, एक भी नहीं, एक भी 6 नहीं है, पर लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 और 2 मिलकर 1 6 बना रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हम इससे सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर की अधिकतम घात निकाल सकते हैं, किसी सम संख्या की हम नहीं निकाल सकते। अब यदि यार मुझे किसी सम संख्या की अधिकतम घात निकालनी है, तब मैं क्या करूंगा, यदि यार मुझे 6 की निकालनी है, तो सबसे पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि 6 बनता कैसे। तो मान लो जैसे 6 है, तो 6 किससे मिलकर बनता है,
छह जो बनता है तो तीन और दो से मिलके बनता है, तीन और दो से मिलके छह बनता है। यदि यह तीन और दो का गुणा कराया जाए तो उनसे मिलके छह बनता है। अब यदि आप जैसे मैं आपसे ये पूछूं कि जैसे तीन की संख्या पांच है और दो की संख्या आठ है तो कितने छह बनेंगे, कितने छह बनेंगे, पांच छह बनेंगे। अब यदि ये लिखा है तीन की पाव मतलब तीन जो है तो बारह है और दो केवल मान लो दस है तो मेरे कितने पांच छह बनेंगे, केवल और केवल दस बनेंगे। आप सीधे सीधे ये मतलब सोच सकते हैं कि जैसे आप किसी मैरिज ब्यूरो में और दस लड़के हैं और पांच लड़कियां तो आप कितनी शादी करा पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ पांच शादी करा पाएंगे, मतलब जिनकी संख्या कम होगी आप उतने जोड़े बना पाएंगे। जैसे मान लो हजारों लड़के हैं केवल लड़कियां दस हैं, आप शादी कितनी करा पाएंगे, केवल और केवल दस शादी करा पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसकी संख्या कम होगी आप उतने जोड़े बना पाएंगे। अब यदि अगर इधर तीन की संख्या कम है दो की संख्या ज्यादा है तो तीन की संख्या कितनी है पांच, तो तीन की संख्या पांच है तो आप छह कितने बना पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ पांच बना पाएंगे, क्योंकि छह जो है तीन और दो से मिलके बनता है। इसी तरीके से इसमें देखो दो जो है तो दस है और तीन बारह है तो इसमें तीन ज्यादा है दो कम है तो जो दो कम है दो कितने हैं दस है तो हम कितने जोड़े बना पाएंगे, दस जोड़े, इसका मतलब दस छह बना पाएंगे। तो इसी तरीके से आप मान लो देखना इसमें क्या होता है, जैसे मैं ये से मैंने पांच फैक्टोरियल को लिखा, इसी से समझना देखना कहीं मान लो मैंने ये पांच फैक्टोरियल लिखा इसका मतलब ये होता है, इसको मैं घात के रूप में लिखूं तो दो की पावर तीन, तीन की पावर एक और पांच की पावर एक, मतलब इसमें क्या हुआ पांच फैक्टोरियल में तीन कम आया है और दो ज्यादा बार आया, मतलब दो की संख्या ज्यादा है तीन की संख्या कम है। इसका मतलब क्या हुआ दो जब ज्यादा क्यों आया, क्योंकि ये पहले आना शुरू हो जाता है, मतलब जो संख्या पहले आना शुरू हो जाती है तो उसका मतलब क्या होता है कि उसकी संख्या ज्यादा होती है। तो इसका मतलब इसमें क्या होंगे तीन कम होंगे दो ज्यादा होंगे, मुझे ये देखना पड़ेगा कि कौन संख्या ज्यादा और जो संख्या पहले आती है वो संख्या ज्यादा होती है। जैसे मान लो मैं छह फैक्टोरियल देखूं तो छह फैक्टोरियल एक गुना दो गुना तीन गुना चार गुना पांच गुना छह, तो इसमें क्या होगा कि पहले दो आना शुरू हुआ है तो दो की संख्या तीन से ज्यादा होगी हमेशा। यदि यह दो पहले आना शुरू हुआ तो दो और तीन में यदि हम तुलना करें तो दो की संख्या ज्यादा होगी। तो ज्यादा से हमें मतलब नहीं, मतलब किससे, जिसकी संख्या कम होगी उतने जोड़े बनेंगे, मतलब यदि दो और तीन की तुलना करें तो जिसकी संख्या कम होगी हमारा उतने ही छह बनेंगे। इसका मतलब क्या हुआ किसी भी फैक्टोरियल में तीन कम आते हैं दो ज्यादा आते हैं। यदि मुझे नंबर ऑफ सिक्स निकालना है तो मैं क्या निकालूंगा नंबर ऑफ तीन, यदि मुझे छह निकालना है तो मैं क्या निकालूंगा तीन निकालूंगा। ये बात शायद आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि यदि अगर मुझसे छह पूछता है तो मैं तीन क्यों निकालता हूँ, और तीन निकालता हूँ मैंने क्या बताया जिसकी संख्या कम होगी उसी को हम निकालेंगे। तो कितने छह बना सकते हैं, जितने तीन होंगे उतने तो छह बना सकते हैं, दो तो ऑलरेडी तीन से ज्यादा आ रहे हैं। इसका मतलब जैसे मैं कोई उदाहरण ले लूं, मान लो ये ले लेता हूं 133 फैक्टोरियल में छह की घात निकालने अधिकतम घात कितनी होगी, तो मैं क्या मैंने क्या बताया जब भी मुझे छह निकालना हो तो मैं नंबर ऑफ तीन निकालूंगा, और जब किसी कोई भी नंबर निकालना हो तो मैंने तरीका बता दिया आपको क्या करना है, या तो आप सूत्र में रख दो या तो सीधे भाग देना शुरू कर दो। मैंने तीन का भाग दिया तीन चौको बारह और तीन चौको बारह, फिर तीन का भाग दिया तीन एकम तीन तीन चौको बारह, फिर तीन से भाग दिया तीन चौको बारह, फिर तीन से भाग दिया एक, तो टोटल कितने आ गए 44 और 44 14 58 58 और 5 जाके बन गए 63, यानी कि 63 हो। इसका मतलब जब भी मुझे नंबर आप 6 निकालना हो तो मैं नंबर आप 3 निकालूंगा। इसी तरीके हम किसी का भी निकाल सकते हैं, मान लीजिए जैसे ये आ जाता है कि 15 मान लो ये आ जाए 150 फैक्टोरियल में 15 की अधिकतम घात निकाल, तो 15 मिलके किससे बनता है, 15 मिलके बनता है तीन और पांच से, अब तीन पहले आना शुरू होता है इसका मतलब तीन की संख्या ज्यादा होगी दो की संख्या वो पांच की संख्या कम होगी, तो जिसकी संख्या कम है मुझे उसी के नंबर निकाल ले। तो अब मान लो जैसे 15 है तो मैं क्या निकालूंगा नंबर ऑफ 5 निकालूंगा इसमें, और मतलब जिसकी संख्या कम है केवल आप उसे निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितनी घात आएगी अधिकतम, जितने वो आएंगे उतनी घात आएगी उसकी। अब जो विषम का था वो तो मैंने बता ही दिया, विषम सीधे निकल के आता है, जब भी कोई ऐसे वो
सॉरी जब अभाज्य कर, मतलब यदि यार कोई प्राइम नंबर है वो तो सीधे आता है, यदि यार प्राइम नंबर नहीं है तो ये देख लो कि वो प्राइम नंबर बना, कंपोजिट नंबर बना किससे, जिससे भी बना होगा, जो कमाएगा आप उसकी संख्या निकाल लेंगे। मुझे 15 में निकालना है तो मुझे पता है कि 15 तीन और पांच से मिलके बनता है, और पांच की संख्या कम होती है, तीन की संख्या ज्यादा होती है। अब क्यों होती है? क्योंकि तीन पहले आना शुरू होता है, पांच बाद में आता है, इस वजह से पांच की संख्या कम होती है। अब मुझे जैसे इसमें निकालना है तो मैं क्या निकालूंगा, नंबर ऑफ फाइव निकाल दूंगा, तो 150 में मैं देख लूंगा पांच कितने, तो पांच का भाग दिया, पांच के 15, पांच का भाग दिया, पांच छह 30, पांच का भाग दिया एक आया, सबको जोड़ दिया कितना हुआ 30, 6 31 है 32, यानी कि 15 की अधिकतम घात कितनी होगी इसमें 32 होगी। इसी तरीके से अब मान लो जैसे मुझे, मैं ये चीजें मैंने बता दी, किसी को भी निकालना हो आप निकाल सकते हैं आसानी से। अब मैं इसी से मतलब एक चीज आपको समझाना चाहता हूं, जैसे मुझे नंबर ऑफ जीरो निकालना, जैसे मुझे ये निकालना हो नंबर ऑफ जीरो इन एन फैक्टोरियल, मतलब एन फैक्टोरियल में जीरो की संख्या क्या होगी। अब मुझे ये बताओ, जैसे मान लो मैं ये लिख दूं दो, तो दो में क्या कोई जीरो है? नहीं, दो में जीरो कब आएगा? जब मैं इसमें 10 का गुणा कराऊंगा तो मेरा एक जीरो आ जाएगा, मतलब एक जीरो के लिए मुझे एक 10 की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, ये चीज तो आप आसानी समझ गए ना, यदि यार मुझे एक जीरो लाना है तो मुझे एक 10 की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि जो एक जीरो होगा वो किससे मिलके बनेगा, एक 10 से मिलके बनेगा। ठीक, अब ये मुझे बताओ कि एक 10 किससे मिलके बनता है, यदि यार मुझे एक 10 बनाना है तो मुझे एक 2 और एक 5 की आवश्यकता पड़ेगी, यदि यार मुझे एक 10 लाना है तो मुझे एक 5 और एक 2 की आवश्यकता पड़ेगी। अब यदि अगर मैंने तुम्हें क्या बताया, किसी भी फैक्टोरियल में उसकी संख्या ज्यादा होती है जो पहले आना शुरू होता है, मतलब कि हम कोई भी फैक्टोरियल लेंगे यदि अगर, तो उसमें हमारी 2 की घात ज्यादा होगी, 5 की घात कम होगी। अब मैंने क्या बताया आपको, यदि अगर मुझे जोड़ा बनाना है तो मुझे उसकी संख्या लेनी पड़ेगी जो कम होगी, तो मैं यदि अगर मुझे जीरो निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, सीधे सीधे क्या करूंगा, नंबर ऑफ फाइव निकाल दूंगा। अब यदि अगर मुझे इसका सूत्र लिखना हो तब मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एन में मैं 5 का भाग दूंगा, जैसे उसमें पी था तो पी का भाग दे रहा है इसमें 5 है, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ फाइव निकालना है सीधे सीधे। यदि यार मुझे एक जीरो लाना है तो फिर क्या करूंगा, मैं 5 के स्क्वायर से भाग करूंगा 25 से, मतलब 5 की पावर 2 से भाग करूंगा। अब यदि अगर आगे एन बटे 5 की पावर 3 से भाग करूंगा, और ये इस तरीके से करता रहूंगा जब तक कि मेरा एक या एक से कम ना हो, तब तक मैं करता। यदि नंबर ऑफ जीरो का कोई सूत्र पूछे, ये होता है, मतलब नंबर ऑफ फाइव निकालते हैं, नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए किसी भी फैक्टोरियल में मुझे यदि जीरो निकालना है तो नंबर ऑफ फाइव निकालते हैं। अब आपने यदि यार पढ़ा होगा, ये सूत्र पढ़ा होगा आपने बुक में लिखा होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि पांच क्यों निकालते हैं। पांच इसलिए निकालते हैं क्योंकि एक जीरो लाने के लिए मुझे एक 10 की आवश्यकता पड़ती है, और एक 10 मेरा 2 और 5 से मिलके बनता है, 2 और 5 से मिलके बनता है, और किसी भी फैक्टोरियल में 2 की संख्या 5 से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि 2 पहले आना शुरू होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ 5 निकालते हैं पूरा जोड़ा बनाने के लिए। तो मान लो जैसे नंबर ऑफ मुझे 10 निकालना है तो मैं नंबर ऑफ 5 निकाल, अब मान लो मैं सीधे सीधे कोई सवाल ले लूं, 100 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे, ठीक, कितने जीरो होंगे नंबर ऑफ वो, मतलब 100 फैक्टोरियल में, तो आप क्या करेंगे, सूत्र से निकालेंगे, सबसे पहली बार सूत्र से निकालेंगे। अब यदि आप सूत्र से नहीं निकालना तो जो मैंने तरीका बताया, आप क्या करो, सीधे सीधे 5 निकाल दो, तो 5 का भाग दिया 20 आया, फिर 5 का भाग दिया तो 4 आया, अब इन दोनों को जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे, 24, यानी 100 फैक्टोरियल में जीरो कितने होंगे, 24 जीरो आएंगे, यदि अगर इस तरीके से। और भी देखना और बहुत सारे सवाल क्या क्या बन सकते हैं इससे, जैसे मैंने क्या बताया, यदि अगर आपको नंबर ऑफ जीरो निकालना है तो आपको सीधे सीधे नंबर ऑफ फाइव निकाल लेना, और नंबर ऑफ फाइव क्यों निकालते हैं ये चीज मैंने आपको अभी बताया। ठीक, जैसे मान लो कोई सवाल ऐसे बन जाता है, 2×4×6×.250 ये बन गए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें 2 का कॉमन करेंगे, 2 का पावर 1 कॉमन किया तो क्या आ जाएगा, 2 की घात 1 कॉमन की तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
अब यदि यार यहाँ से मैंने एक दो का वर्ग कर लिया तो क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगी, घात दो हो जाएगी। यदि यार एक दो यहाँ से का वर्ग कर लिया तो तीन आ जाएगा, यहाँ भी तीन दो हो जाएंगे। इसका मतलब ये ऐसे चलता जाए, यदि यार मैं यहाँ से कावर कर लू दो तो कितना बचेगा मेरा, 125 बचेगा। तो यहाँ भी कितना आ जाएगी पावर, 125। अब इसमें देखो इसका मतलब ये क्या हुआ, 125 फैक्टोरियल बन गए, ये क्या बन गया, 125 फैक्टोरियल बन गए। अब मेरे दो तो यहाँ पे बहुत ज्यादा है और इसमें भी दो है, इसका मतलब मुझे नंबर ऑफ फाइव निकालना पड़ेगा। यदि यार जीरो ज्ञात करना है तो मैं क्या करूंगा, इसमें नंबर ऑफ फाइव निकालूंगा, तो 125 में मैं क्या करूंगा, पांच भाग दिया, पांच दोनों दस, पचम पच्चीस, पांच से भाग दिया तो पचम पच्चीस, फिर पांच से भाग दिया एक, सबको जोड़ दिया तो कितने हो गए 31। यानी कि इस सवाल में मेरे नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, 31 जीरो आएंगे। इस तरीके का सवाल आ सकता है, और किस तरीके का सवाल आ सकता है, मान लो इस तरीके का सवाल बन सकता है, मतलब जितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं लगभग मैं बता देता हूँ आपको नंबर ऑफ जीरो के, क्योंकि अधिकतर ही नंबर ऑफ जीरो ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मान लो ये सवाल ये बन सकता है कि पांच गुणे दस गुणे और पंद्रह गुणे बीस गुणे करके मान लो 500, ये बन सकता है, ऐसा सवाल बन सकता है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, पांच का अमर करूंगा, पांच मैंने का अमर किया, एक पांच का अमर किया, यहाँ एक हो गया गुड़े, यहाँ से एक पांच का अमर हो जाए दो, दो हो जाएगा, यहाँ दो हो जाएगा, इसी तरीके से ये चलता रहेगा। एक पांच यहाँ से कामर कर लेंगे तो क्या बचेगा 100, तो यहाँ पे कितने पांच हो जाएंगे 100, तो ये क्या बन गया मेरा 100 फैक्टोरियल। अब आप दिमाग लगाओ कि इसमें मैं क्या निकालूं, अब मेरे पांच यहाँ पे ऑलरेडी 100 है, मतलब 100 पांच तो यहाँ पे है और कुछ इसमें निकलेंगे। अभी अभी मैंने निकाला था कि 100 में 24 होते हैं, पिछले सवाल में मैंने अभी निकाला 100 में 24 निकाले, मतलब ये टोटल 124 पांच हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको नंबर ऑफ दो निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसमें दो कम पड़ने वाले हैं। इसी वजह से मैंने पूरा थ्योरिकल समझाया कि आप कभी गलत ना कर पाए, मतलब इसमें मुझे क्या निकालना, केवल और केवल मुझे सूत्र नहीं लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यदि अगर इसमें तो मैं देख रहा हूँ कि ऑलरेडी मेरे पांच बहुत ज्यादा है, दो कम पड़ रहा है, इसका मतलब मुझे नंबर ऑफ दो निकालना पड़ेगा, तभी तो मुझे नंबर ऑफ जीरो मिलेंगे, क्योंकि दो और पांच से मिलके ही जीरो आता है। तो अब मान लो जैसे इसमें मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ दो निकाल दूंगा, क्योंकि दो मेरे कम पड़ रहा है और जो कम होते हैं उतने जोड़ा बनते हैं, मैंने आपको बता दिया। तो दो निकालेंगे, इसमें दो निकाला तो 50 आया, दो निकाला तो 25, फिर दो निकाला तो 12, फिर दो निकाला तो 6, फिर दो निकाला तो 3, फिर दो निकाला तो 1। अब मैं इन सबको जोड़ दूंगा, 50, 25, 75, 12, 87, 3, 90 और 7, 97, यानी कि जीरो मेरे कितने आएंगे 97, क्योंकि मेरे दो 97 आ रहे हैं। अब यदि यार आप दिमाग नहीं लगाते तो गलत करके आ जाते कि 100 तो ये है और 24 आज इसमें निकाल देते, 124 मार के आ जाते, वो गलत हो जाता। तो मुझे सोचना पड़ेगा कि नंबर ऑफ दो ज्यादा है या नंबर ऑफ फाइव ज्यादा है, और किस तरीके का सवाल बन सकता है। देखना, मान लो जैसे ऐसा सवाल बना दे, जैसे वो सवाल बना सकता है, मैं वो प्रकार के सवालों को बता देता हूँ। मान लो ऐसा सवाल बना दे, 10 गुणा 20 गुणे 30 गुणे डॉट 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 करके 1000, ऐसे बना दे, इसमें पूछ दे तो आप क्या करोगे, 10 कावन कर लेंगे इसमें, तो 1 10 कावन करेंगे तो 1 आएगा, फिर यहाँ से 1 10 कावन करेंगे 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा, इसी तरीके से करते चले जाएंगे हम आगे। तो 10 कावन कर लेंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा और यहाँ पे भी 100 हो जाएगा, ठीक। अब मुझे ये क्या बन गया मेरा 100 फैक्टोरियल बन गया। अब 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 5 निकालना है तो मैं 5 निकाल दूंगा, तो 5 इसमें निकाल लेता हूँ, 100 में 5 मैंने निकाला तो 20 आया, फिर 5 निकाला तो 4 आया, यानी टोटल ये आ गए 24। अब 24 10 तो यहाँ से मिल जाएंगे मुझे, तो मतलब 24 जीरो तो यहाँ से मिल जाएंगे, क्योंकि 24 10 यहाँ से मिल रहा है और इसके बाद में मेरे 100 जीरो यहाँ पे ये दिए है, 100 जीरो तो यहाँ पे दिए है मेरे और यहाँ पे 24 दिए, तो टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 124। इस तरीके से सवाल वो बना सकता है, तो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, हम केवल ऐसे नहीं कर सकते। और मान लो जैसे थोड़ा सा और कठिन कर दे सवाल, इस तरीके के सवाल बना दे, मान लो मैं बता देता हूं
मान लीजिए मेरे सवाल कि 126 फैक्टोरियल माइनस 125 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करो, नंबर ऑफ जीरो, तब आप क्या करेंगे? अब मान लो मुझे एक बार बताओ, इसमें आप करेंगे हल तो इकतीस आएंगे, इसमें भी इकतीस आएंगे, आप घटा देंगे तो जीरो, एक भी नहीं। अब क्या पता इकतीस आ जाए, और क्या पता इकतीस से भी बड़ी कोई संख्या आ जाए, बत्तीस तैतीस कुछ भी, इसमें हम डिसाइड नहीं कर सकते ऐसे हल करके सीधे कि कितने जीरो आएंगे। मान लो जैसे मैं आपको उदाहरण एक समझाता हूं, मान लो इस तरीके का सवाल दिए है कि मान लो 2000 माइनस 2000 कितने जीरो आएंगे, एक भी नहीं। अब मान लो यहीं पे ये दे दे कि 3000 माइनस 2000 तो कितना आएगा, 1000। अब देखो नंबर ऑफ जीरो यहां पे तीन थे, यहां भी तीन थे, घटाने के बाद भी तीन है, मतलब घटाने के बाद भी तीन जीरो आ रहा है। अब यदि यार मान लो एक बार मैंने ये ऐसे घटाया, यदि अगर तो कुछ नहीं आया, एक भी जीरो नहीं, इस तरीके से मैंने घटाया तो अभी जितने तीन यहां पे थे तीन में तीन घट रहे जीरो, फिर भी तीन जीरो आ रहा है। अब यदि यार ऐसा सवाल आ जाए मान लो कि 24000 माइनस 14000 और घटाया मैंने तो 10000, तो क्या हुआ, यहां पे नंबर ऑफ जीरो तीन है, यहां पे नंबर ऑफ जीरो तीन है, और यहां पे मेरे जीरो चार हो गए, मतलब जीरो मेरा बढ़ भी सकता। तो इस तरीके से जब माइनस वाला सवाल आता है तो हम निश्चित नहीं कर सकते कि जीरो कितने आए, सेम भी आ सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। तो अब हम इसे हल कैसे कर पाएंगे, हम इसे तब हल कर पाएंगे जब हम इसे तोड़ पाएंगे। तो देखना तोड़ते हैं हम मान लो जैसे मैंने एक बात बताओ, जैसे मैंने ये लिखा चार फैक्टोरियल, चार फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं हम, चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक। अब यदि मैंने पांच फैक्टोरियल लिखा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पांच गुणा चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक। इसका मतलब कि मैं इसकी जगह चार फैक्टोरियल लिख सकता हूं, मतलब मैं पांच फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं, पांच गुणा चार फैक्टोरियल। हम किसी को भी लिख सकते हैं, मतलब क्या हुआ, जैसे मुझे एन फैक्टोरियल लिखना तो एन फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूं, एन एन माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकता हूं। और जो भी बताते हैं कि मतलब जीरो फैक्टोरियल का मान एक होता है तो वो इसी से आता है, जैसे मान लो एन बराबर मैं वन पुट कर दो, एन बराबर वन पुट कर सकता हूं, तो एक फैक्टोरियल बराबर यहां पे क्या होगा एक, और यहां पे क्या होगा एक माइनस एक फैक्टोरियल, तो एक फैक्टोरियल का मान क्या होता है एक, और ये कितना हो जाएगा जीरो फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल का मान एक, इसी से आता है, जीरो फैक्टोरियल का मान एक होता है। ठीक, तो हम जो बात कर रहे थे देखना इसकी तोड़ने की, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको तोड़ के लिख सकता हूं कैसे, इसको मैं क्या कर सकता हूं, 126 गुणे 125 फैक्टोरियल माइनस 125 फैक्टोरियल, मैंने 125 फैक्टोरियल कॉमन कर लिया तो क्या आएगा 126 माइनस एक, कितना आएगा 125 फैक्टोरियल गुणे 125। अब मैं इसमें निकाल लूंगा नंबर ऑफ जीरो कितने, तो मुझे पांच निकालना है, मैं 125 में पहले पांच निकाल लूंगा, तो पचम 25 फिर पांच निकाला पांच फिर पांच निकाला एक, ये टोटल कितने हो गए 31, इसमें 31 हो गए, और इसमें कितने पांच है, तीन पांच है। अब किसी किसी को ये दिख रहा होगा कि एक ही पांच है, एक पांच मतलब इसका क्या है, पांच गुणे पांच गुणे पांच, 125 को हमें लिख सकते हैं, इसमें कितने पांच है, तीन पांच है, तो टोटल पांच कितने हो गए 34, मतलब नंबर ऑफ जीरो की संख्या बढ़ गई। इस तरीके के सवाल आ सकते हैं नंबर ऑफ जीरो जब भी पूछेगा, जब भी पूछेगा आप क्या करना, नंबर ऑफ फाइव आपको निकाल देना है, कुछ नहीं करना, केवल नंबर ऑफ फाइव निकाल देना है, बस थोड़ा सा देख के चलना है कि कहीं नंबर ऑफ दो नंबर ऑफ फाइव से तो कम नहीं है। ठीक, आज की क्लास यही खत्म होती है, अब अगला टॉपिक कल देखेंगे, फिर मिलेंगे कल इसी उत्साह और उमंग के साथ में।